वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा देना ताकि आप लोग हर वीडियो की नोटिफिकेशन पा पाए। शुक्रिया। वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो आज के दिन तीन मूवीज की अपडेट लेकर मैं आ गया हूँ आपके पास। फर्स्ट मूवी KGF चैप्टर 2 की जो OTT रिलीज डेट 1 निकल के आ रही है उसके बारे में। उसके बाद हम लोग सेकेंड बात करने वाले हैं जर्सी मूवी, इसकी जो OTT रिलीज है वो पहले से ही फिक्स कर दी गई थी पर इसकी जो OTT रिलीज डेट है अब उसे चेंज किया गया, तो उसके बारे में जो अपडेट है वो हमें बताना है। उसके बाद में जो थर्ड अपडेट निकल के आ रही है वो आ रही है एक पंजाबी मूवी शूटर की, तो इसकी भी जो OTT राइट है और इसकी जो मतलब OTT पार्टनर होने वाले हैं और क्या अपडेट है इसके बारे में हम लोग टोटल बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा, वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा और बने रहेगा चैनल पे इसी तरह की वीडियोस के लिए, और वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिएगा। तो हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं जो KGF चैप्टर 2 मूवी है इतनी ज्यादा हाई डिमांडेड मूवी, इसकी जो OTT रिलीज डेट है वो निकल के आ रही है 27 मई को। और दोस्तों मैं ये भी बता देता हूँ ये जो डेट निकल के आ रही है अभी तक फिल्म मेकर्स ने भी इसे कंफर्म नहीं किया है, ना कि इसके OTT पार्टनर Amazon Prime ने कहीं भी कंफर्म किया है। पर जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं जहाँ तक पता चल रहा है उसके मुताबिक ये जो मूवी है KGF चैप्टर 2 आप लोगों को 27 मई को देखने को मिल जाएगा Amazon Prime पर। उसके बाद में अगर मैं सेकेंड अपडेट की बात करूं दोस्तों तो वो आ रही है जर्सी मूवी पे, जहां पर स्टारर पे आपको शाहिद कपूर मृणाल ठाकुर देखने को मिल जाएंगे। इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या कहूं दोस्तों, इस मूवी का बजट ही 36 करोड़ पर फिल्म मेकर्स को समझ जाना चाहिए जैसे बच्चन पांडे के साथ में हुआ। अब ये जर्सी मूवी है, नो डाउट फिल्म काफ़ी अच्छी बनी हुई है, एक्टिंग भी शाहिद कपूर ने काफ़ी अच्छी की है, मगर कहीं ना कहीं अब ऑडियंस को यह पता है कि हम रीमेक नहीं देखने वाले हैं, तो आप लोगों को यह सोचना होगा कि हमें किस टाइप की फिल्म को लेना है या साइन करना है, उसके बाद किस टाइप की हमें फिल्म बनानी है। तो इसकी जो OTT रिलीज डेट पहले निकल के आ रही थी वो आ रही थी 27 मई को, तो अब दोस्तों ये जो फिल्म है इतनी ज़्यादा क्राइसिस से गुजरी है तो अब ये जो फिल्म आप लोगों को देखने को मिलेगी वो 13 मई को देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर, अकॉर्डिंग जो न्यूज़ निकल के आ रही है। उसके बाद में अगर मैं थर्ड अपडेट के बारे में मैं दोस्तों बात करूं तो वो आ रही है एक पंजाबी मूवी शूटर, जहां पर इस मूवी की OTT इतनी ज़्यादा डिमांडेड में है। जनवरी को ये फिल्म रिलीज हुई थी, उसके बाद में इसके जो रिलीजिंग डेट है OTT की उसे बार बार खिसकाया जा रहा है। फर्स्ट में जो इसकी OTT रिलीज डेट निकाली गई थी वो थी 18 फरवरी को। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं ये जो मूवी के फिल्म मेकर्स हैं उसके बाद जो इसके OTT राइट्स जिन्होंने एक्वायर किए थे जैसे कि चौपाल और ये जो नेटफ्लिक्स, यहाँ पर आपको ये मूवी जो देखने को मिल सकती थी, मगर आप लोगों को दोस्तों मैं बता दूं ये मूवी अब 80% से 90% कन्फर्म है कि आप लोगों को शायद ही ये फिल्म OTT पे देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी तक जो न्यूज़ निकल के आ रही है इनकी फिल्म मेकर्स और जो OTT पार्टनर है उनके बीच में जो अनबन कुछ चल रही है, जो सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, जिसके कारण से ये मूवी है अब आप लोगों को शायद ही OTT पे देखने को मिलेगी। बाकी अगर कुछ भी अपडेट आती है तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा इस मूवी के रिगार्डिंग। पर आप लोगों को क्या इस मूवी से कितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, कब तक आपको देखने को मिलेगी, क्या आप इस मूवी को वेट कर रहे थे, मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मेरे चैनल पे इसी तरह के मूवीज के अपडेट्स के लिए बाय बाय, धन्यवाद।